दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर की जो सुनवाई है वो आखिरी चरण में आ गई है और हो सकता है कि रंजन गोगोई की जो पीठ है वो आज शाम को 5 बजे तक इसका सुनवाई पूरा कर लेगी। और उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर आई है कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसने बोला है कि हम अपने अलगनामे देकर के हम अपना केस वापस लेना चाहते हैं। रंजन गोगोई की जो ये फटकार लगी है उनको कि अब बहुत हो गया, इतने सालों से चला आ रहा केस, आज आपको पता चला है कि केस वापस ले लेना चाहिए, अब तो पूरी सुनवाई होकर के ही रहेगी। 5 बजे तक इसका जो सुनवाई का एक समय दिया गया था, जिस जो 40 दिन की सुनवाई थी वो आखिरी चरण में है, आज खत्म हो जाएगी सुनवाई। इस पर जो सबसे बड़ा ऐतराज है रंजन गोगोई ने उठाया है कि जो सुनवाई 40 दिन से चल रही है, आपको 40 दिन बाद पता चला है कि केस वापस ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो उनके वकील हैं उनसे बात की गई तो वकील ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं दी गई, ये ऊपर से ऊपर हलफनामा कोर्ट में पेश किया गया है। तो अब ये सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा है वर्षों से चला आ रहा है और ये एक देश के लिए बहुत ही बेहद संवेदनशील मुद्दा था, क्योंकि यहां पर एक तरफ बाबर मस्जिद की, बाबरी मस्जिद की बात कही जाती है तो एक तरफ राम मंदिर की, जो कि 100 करोड़ हिंदुओं की जो आस्था का प्रतीक है राम मंदिर, उनके हिंदू पक्षकारों ने अपनी सारी दलीलें पेश की और आज आखिरी समय पर वो पड़ाव आ चुका है और मुस्लिम पक्ष की भी दलीलें रही। तो कहीं ना कहीं इसमें ये भी सामने आया कि मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो कई बार ये कहते हुए नजर आए कि हम राम मंदिर के लिए जमीन दे देते हैं और हमें मस्जिद के लिए एक जगह वहां पर दे दी जाए। हिंदू पक्षकार चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि में बिल्कुल मस्जिद के लिए जगह नहीं देंगे, ना ही कोई इजाजत देंगे। तो बात सबसे बड़ी ये आती है कि जो मध्यस्थता पैनल था उसको भी बीच में रखा गया, मध्यस्थता के माध्यम से कहा गया कि इसको सुलझा लिया जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं एक मूवमेंट में आया। वहां पर भी यही बात सामने आ रही है कि राम मंदिर बना दिया जाए, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए और मस्जिद को यहां से दूसरी जगह बना दिया जाए। जैसा कि सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या के अंदर 500 मस्जिद है और उसमें नमाज पढ़ी जा सकती है, ऐसा हिंदू पक्षकार कह रहे हैं। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि राम का जो जन्म स्थान है उसको नहीं बदला जा सकता, अब मस्जिद का जगह बदला जा सकता है तो क्यों राम मंदिर पर इतनी बहस हो रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसने अपना हलफनामा देकर के अपने केस वापस लिए हैं और इस केस के अंदर 8 लोगों ने इस पर फाइल किया है, केस दायर किया था। इसमें से 2 केस सुन्नी वक्फ बोर्ड के हैं, इन्होंने अपने केस वापस ले लिए हैं। जो जाफर जलानी है वो कह रहे हैं कि इसकी मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, मैं अनभिज्ञ हूं, मुझे इसकी कोई मुझे सूचना नहीं दी गई कि हम केस वापस ले रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि राम जन्मभूमि बनने का रास्ता कहीं ना कहीं साफ नजर आता है और जल्दी से जो रंजन गोगोई की पीठ है वो आने वाले समय में एक ऐतिहासिक घोषणा कर देगी, वहां से एक जजमेंट आ जाएगा कि क्या उसका प्लान होगा और क्या उन्होंने सुनवाई की है। रंजन गोगोई 18 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और रिटायर होने से पहले वो चाहते हैं कि जो ये ऐतिहासिक फैसला है उनकी पीठ के माध्यम से ही ये सुलट जाए और सुलटने के बाद जो भी निर्णय आए उस पर आगे का काम हो। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि इन चीजों को देखते हुए अयोध्या के अंदर धारा 144 लगा दी गई थी और उसमें सबसे बड़ी बात है कि वहां के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने इस पर एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए उन्होंने देखा कि आने वाला त्योहार भी है, दीपावली है और वहां के लोगों ने अनुमति भी मांगी थी कि हम चाहते हैं कि अब की बार दीपावली के लिए राम चबूतरे पर हम दीपक जला करके दीपावली का जश्न मनाएं। तो कहीं ना कहीं जो बाबरी मस्जिद का जो पक्ष रख रहे हैं वो आज भी यही चाहते हैं कि वहां पर बाबरी मस्जिद बने। जो मौलाना मौलवी हैं उनको ये लग रहा है कि हम केस जीत रहे हैं और केस जीतेंगे तो हम बाबरी मस्जिद ही बनवाएंगे, क्यों ना हिंदू पक्ष कहे कि बाबरी मस्जिद वहां पर बना दी जाए।
ऐसा मौलानाओं का मानना है। और वो खुले तौर पर ये भी कह रहे हैं कि हम कोर्ट से जीत करके आ रहे हैं, हिंदू पक्ष क्यों नहीं चाहता कि बाबरी मस्जिद के लिए हम आपका सहयोग करेंगे। और उधर बाबरी मस्जिद के जो मौलाना है इकबाल अंसारी हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे, हम मध्यस्थता का फैसला नहीं मानेंगे। और हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि मध्यस्थता पैनल को समय दिया गया, मध्यस्थता के पैनल के समय में अगर वो नहीं निर्णय ले पाए तो सबसे बड़ी बात है कि जो देश है सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा भरोसा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रखता है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर जजमेंट लेना चाहिए और जजमेंट लेने के बाद ही उसका पालन होना चाहिए। चाहे तो राम मंदिर के पक्ष में फैसला आए या फिर बाबरी मस्जिद के फैसला आए, और इस बात को सभी हिंदू पक्षकार हो या मुस्लिम पक्षकार हो, वो सब लोग कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा तो हम उसका सम्मान करेंगे। तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब राम मंदिर का फैसला और सुनवाई 40 दिन हो चुकी है, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक और सबसे बड़ा एक पक्ष राम मंदिर के पक्ष में दे दिया है कि उन्होंने अपना केस वापस ले लिया। तो अब सबसे बड़ी बात समझने में ये आती है कि राम मंदिर का फैसला बहुत ही निकट है और बहुत ही जल्दी से उसका फैसला आने वाला है। और कहीं ना कहीं हिंदू पक्षकार इस बात का जश्न मना रहे हैं कि 40 दिन सुनवाई होने के बाद अगर फैसला आ रहा है तो वो उनके हित में आ रहा है, क्योंकि जो फैसले की जो आर्कियोलॉजी और वहां पर जितने भी लगे हुए थे, वहां पर तंत्र लगे हुए थे, उनका जो मानना है कि राम की जो राम मंदिर के अवशेष हैं वो मिले हैं। और जैसा कि आर्कियोलॉजी के जो मुस्लिम के ही आर्कियोलॉजी के अधिकारी थे, उन्होंने भी माना है कि राम जन्मभूमि के यहाँ पर अवशेष हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो मुस्लिम पक्षकार हैं, उन्होंने केवल और केवल उस पर बहस करना शुरू कर दिया कि आप कैसे जजमेंट कर सकते हैं कि राम का जन्म कौन से कमरे में हुआ। अगर महल के अंदर 100 कमरे हैं तो 100 कमरे में से किस महल, किस कमरे के अंदर जन्म हुआ, राम जन्मभूमि का जो चबूतरा है उस पर हुआ या किसी कमरे के अंदर हुआ। इस तरह की बहस रही है, और ये बहस सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि ये बेवजह सुप्रीम कोर्ट का समय जाया करने वाली बात रही है। तो अब जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है, और मुस्लिम पक्ष की जो बौखलाहट है वो कहीं ना कहीं दिखने लग रही है। उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से वो पता चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं पक्ष राम मंदिर के पक्ष में ये फैसला आने वाला है। और आने वाले समय में जो रंजन गोगोई हैं, उनके जो निर्णय है, उन्होंने भी मुस्लिम पक्षकारों को फटकारते हुए कह दिया है कि ये अब बहुत हो गया कि जो तुमने केस वापस लिया है, अब केस वापस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे जो सबसे बड़ी बात है, अब सुनवाई ही पूरी होगी और निर्णय जो आएगा वो उसके बाद ही हम जजमेंट देंगे। 5 बजे तक आज सुनवाई रही है और रहेगी, और 5 बजे के बाद ही अब उसके बाद फैसला लिया जाएगा। अब जो रंजन गोगोई की सुप्रीम कोर्ट की 5 लोगों की टीम है, अब उस पर मंथन करेगी और उसके जजमेंटों को और इनके जो पक्षकारों की जो सुनवाई हुई है और उनके जो तथ्य दिए गए हैं, उसमें अब ये पता चलेगा कि किसने क्या प्रूफ दिए हैं और क्या नहीं, और उस पर अब सुप्रीम कोर्ट बहुत ही बारीकी से उस पर जजमेंट देने के लिए बैठा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको सभी धर्म के लोग और सभी दोनों पक्षों के लोग सर्वसम्मति से मानने के लिए तैयार हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राम जन्मभूमि को लेकर के इतने वर्षों से ये केस जो पेंडिंग पड़ा था हाई कोर्ट में रहा, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में रहा, जिस तरीके से जो लोग राजनेता भी हैं इसको लेकर के राजनीति की रोटियां सेकने में लगे हुए थे, और आपने देखा था कि जिस समय कार सेवा हुई थी तो उस समय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही थी, उस समय भी क्या हर्ष हुआ था, जो लोगों का बलिदान गया था उस बलिदान का खामियाजा आज तक भुगतना पड़ता है। और अब कहीं ना कहीं जो राम मंदिर का फैसला है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर ईंटें हैं और वहाँ पर आर्कियोलॉजी के जो सारी चीज़ें हैं वो बनने के लिए रखी हुई हैं। ऐसा मानते हैं कि राम मंदिर का अगर फैसला आता है तो चंद दिनों में राम मंदिर बन करके एक रूप में खड़ा हो जाएगा। बाकी जो वहाँ की प्राण प्रतिष्ठा है, जो
राम की जो मूर्ति है वो वहां पर एक टेंट में रहती है। और ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि जो 100 करोड़ लोगों की जो आस्था है और जिसके अंदर राम बसते हों और राम एक टेंट के नीचे रहते हों, तो वो सबसे बड़ी बात है। कोर्ट के अंदर हिंदू पक्षकारों ने ये भी दलीलें दी हैं कि ऐसा कोई एक पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई केस नहीं है कि जो राम और जो भगवान को मानने वाले या जीसस को मानने वाले या मोहम्मद साहब को मानने वाले, तो ऐसा कोई देश नहीं है जो अपने लिए जमीन के लिए केस लड़ने के लिए कोर्ट में गया हो, तो ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है। अब सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा केस देखने को मिल रहा है कि ये वर्ल्ड की नज़र है कि इस पर कि हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ लोगों की आस्था का जो प्रतीक है राम मंदिर, वो राम अपना केस कोर्ट में लड़ रहे हैं। और जबकि लोगों की आस्था होती है कि हम भगवान से कुछ मांगेंगे, भगवान हमें कुछ आशीर्वाद देंगे, आज भगवान दर दर की ठोकरें खाते हुए कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट से अब जजमेंट मांग रहे हैं कि राम की जो भूमि है वो मेरे लिए एक मंदिर या घर मेरे लिए बना दिया जाए। तो इस तरह की जो बड़ी विडंबना है देश के अंदर, अब वो समय आ गया है कि जो भी जजमेंट होगा वो एकदम शांत प्रिय और सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।